हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये है एक नई वीडियो जिसमें हम रिव्यू करेंगे बैडमिंटन रैकेट कंपनी योनेक्स का, जिसका नाम है योनेक्स GR201। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस जानिए, वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। तो ये है हमारा बैडमिंटन रैकेट जो कि इस कवर में आया है, जो कि एक हाफ कवर है। एक हेड शेप को कवर करने के लिए सिर्फ दिया है ये मटेरियल, छोटा सा, कोई फुल कवर नहीं दिया है कंपनी ने इसमें। साथ में यहाँ पे योनेक्स का ब्रांडिंग लोगो है। इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज्यादा खास नहीं लगी है। एक नॉर्मल क्वालिटी का कवर है, बिल्कुल एक बेसिक सा कवर है, कोई खास मटेरियल यूज नहीं किया गया है। एक हेड के खाली प्रोटेक्शन में काम करेगा ये कवर, कोई एक रेयर सी प्रोटेक्शन देगा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि एक बेसिक रैकेट है। अब आते हैं हम इस रैकेट के रिव्यू पे और इसकी स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करते हैं। ये रैकेट में पहली जो चीज है वो है इसकी डेमो स्ट्रिंग्स। ये मुझे रैकेट डेमो स्ट्रिंग्स के साथ में मिला था। साथ ही साथ जो इसका हेड है वो है ओवल शेप टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल ओवल शेप में ये हेड दिया हुआ है। इसका जो मटेरियल है जो इसके हेड में यूज किया गया है वो है एल्युमिनियम। साथ ही साथ जो शाफ्ट है वो उसमें लो टॉर्जन स्टील यूज किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बैडमिंटन में एक टी जॉइंट दिया हुआ है हेड और शाफ्ट को मिलाने के लिए, एक एक्सटर्नल टी जॉइंट है इसके बीच में। इसका जब मैंने वेट दोस्तों वे किया तो इसका वेट 95 to 100 grams के बीच में आया इस रैकेट का, जो इसको यू कैटेगरी में फॉल करवाता है। इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ फ्लोरोसेंट है, नीचे सिल्वर है, ऊपर भी हल्का सा सिल्वर है। इसके अलावा मैंने इसका एक और कलर देखा था जो कि यहाँ पे ब्लू था और नीचे सिल्वर था। इसके अलावा थर्ड कलर मैंने कोई देखा नहीं है इसका। अगर आपको कोई थर्ड कलर पता हो, इसका कोई आता हो थर्ड, या दो या तीन कलर कोई, अगर या इसके अलावा कोई एक कलर आता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। जो टेंशन है वो है इसकी 16 से 18 LBS के आसपास ये रैकेट ले लेगा। हालांकि इससे ज्यादा हम करना प्रेफर नहीं करेंगे इस रैकेट में, क्योंकि ये रैकेट एक टी जॉइंट रैकेट है जिसमें एक्सटर्नल टी जॉइंट लगा हुआ है, साथ में एल्युमिनियम और स्टील का यूज किया गया, कार्बन का यूज नहीं किया गया है, तो इससे ऊपर हम मेरे हिसाब से रिस्क नहीं लेंगे। इसके अलावा जो इसकी ग्रिप साइज है वो है एक G4 ग्रिप साइज, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ग्रिप साइज है जो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। हाँ तो दोस्तों, अब आते हैं इस रैकेट की परफॉर्मेंस की और देखते हैं कि ये रैकेट कैसा परफॉर्म करेगा एक गेम के अंदर। जो पहली चीज है परफॉर्मेंस में वो है इस रैकेट का बिगनर रैकेट होना। ये एक एक्सट्रीम बिगनर रैकेट है। अगर आप बिगेन कर रहे हैं बैडमिंटन के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं या बच्चे के साथ खेलते हैं, तो ये रैकेट एक पार्क प्ले के लिए अच्छा रैकेट है। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का डिफेंसिव रैकेट होना। ये एक डिफेंसिव प्ले रैकेट है। अगर आप बहुत ही पावरफुल अटैक लेते हैं, अटैकिंग खेलते हैं, स्मैशेस ज्यादा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के अटैकिंग के लिए रैकेट नहीं बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक बिगनर लेवल का रैकेट है, तो ये नॉर्मल गेम प्ले के ही काम आएगा, डिफेंसिव गेम प्ले के ही काम आएगा। इसके अलावा जो इसका हेड है वो ओवल शेप से बना हुआ है। ये ओवल शेप में डिजाइन किया गया है, तो अगर आप आइसोमेट्रिक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इस रैकेट में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसके बीच में टी जॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इसमें एक्सटर्नल टी जॉइंट है। तो अगर आप बिना टी जॉइंट वाला रैकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वन पीस फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बजट के हिसाब से टी जॉइंट योनेक्स इस बजट में देता ही है। अगर आपको वन पीस चाहिए तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस रेंज में योनेक्स में वन पीस रैकेट्स नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा जो इसका मटेरियल है वो मैंने पहले बताया था आपको, एल्युमिनियम और स्टील है। इससे परफॉर्मेंस में फर्क ये पड़ता है कि ये रैकेट एल्युमिनियम स्टील से बना हुआ है, तो कार्बन से नहीं है। तो जिन लोगों को कार्बन प्रेफरेंस है, जिनकी की कार्बन ग्रेफाइट ही चाहिए, वो लोग ये रैकेट चूज ना करें। लेकिन बिगनर रैकेट के हिसाब से एल्युमिनियम स्टील बेस्ट है, क्योंकि इस रेट में कार्बन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ एल्युमिनियम स्टील की वजह से इसका वेट बढ़ जाता है दोस्तों, 95 to 100 grams के बीच में रैकेट लाए करता है। तो अगर आप इस वेट के रैकेट से ऑलरेडी खेलते हैं तो ठीक है, अगर आपको लाइट वेट चाहिए तो इस रैकेट में इतना वजन लाइट नहीं देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ ये डेमो स्ट्रिंग्स के साथ में अवेलेबल होता है, तो एक नॉर्मल लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। हाई लेवल के परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करिएगा डेमो स्ट्रिंग्स के साथ में, बट बेसिक रैकेट के लिए ठीक है दोस्तों। ये एक स्टिफ रैकेट है, फ्लेक्सिबल रैकेट नहीं है। अगर आपको फ्लेक्सिबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल, क्योंकि एल्युमिनियम स्टील का यूज किया हुआ है तो फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल होता ही नहीं है। इसका जो बजट है, जो लास्ट चीज हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो है करीबन 990 rupees जो इसकी MRP है। साथ ही ये रैकेट आपको मार्केट में इजिली 500-600 के बीच में अवेलेबल हो जाना चाहिए, आपकी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कम या ज्यादा भी मिल सकता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूं तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूं, एक उसकी कंपनी की एमआरपी और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूं उसकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस एमआरपी और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हमारा स्पोर्ट्स का बिजनेस भी है, तो हम ऑफलाइन भी सेल करते हैं इस प्रोडक्ट्स को और ऑनलाइन भी सेल करते हैं। हमारा ऑफलाइन स्टोर है जयपुर राजस्थान के अंदर और ऑनलाइन हम मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी सेल करते हैं। तो जो लोग जयपुर में रहते हैं वो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। मैं स्टोर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही साथ अगर आप राजस्थान से बाहर रहते हैं तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं स्पोर्ट्स हाउस पे जाके। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस इंक्वायरीज है तो मैं ईमेल डाल दूंगा, आप उस पर मेरे को बिजनेस इंक्वायरी पूछ सकते हैं।